हेलो दोस्तों, देखो आज एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जो जेई मेन 2016 ऑनलाइन में पूछा गया था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन कोस की क्यूब एक्स स्क्वायर रूट 2 sin 2x और इक्वल टू दे रखा है टेन एक्स का होल पावर ए प्लस सी इंटू टेन एक्स का होल पावर बी प्लस के। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है हमको, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसको इक्वल जो भी आएगा हम कंपेयर करके ए बी सी निकाल लेंगे और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करके बता देंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो पहले इसका इंटीग्रेशन करो, इसको किस प्रकार से करेंगे। देखो यहाँ पर डी एक्स अपोन ये कोस की क्यूब एक्स लिखा हुआ, इसको फॉर्मूला ओपन कर दो इसका। जब इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे 2 into sin 2x का 2 sin x into cos x, सही है। तो ये हो गया, यहाँ से 2 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2 डी एक्स अपोन। देखो यहाँ पर साइन एक्स की पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पर कोस एक्स की पावर भी 1/2 हो रही है, कोस एक्स की पावर भी 1/2 और यहाँ कोस की क्यूब एक्स ये है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डी एक्स अपोन यहाँ पर ये जो इसको साइन एक्स की होल पावर 1/2 है, इसके अपोन में अगर कोस की पावर वन कोस एक्स की पावर 1/2 लिख दिए, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कोस एक्स की पावर 1/2, यानी कि रूट कोस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो जो डिवाइड वाला है वो तो नीचे लिख दिया और जो मल्टीप्लाई वाला है वो इससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा, इस पावर को 1 कर देगा ना। तो यहाँ हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस की क्यूब एक्स ये है, तो कोस की पावर 4x हो गया, सही है। तो ये एक्चुअल में हो क्या गया, ये हो गया ये sec की पावर 4x डी एक्स अपोन ये स्क्वायर रूट 10x, सही है। अब देखो थोड़ा और सोल्व करते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं पहले। ये हो गया sec स्क्वायर x, एक sec स्क्वायर x ऐसे लिख दिया, एक sec स्क्वायर x को कर दिया 1 plus 10 square x डी एक्स अपोन स्क्वायर रूट 10x, ठीक है। जो sec की पावर 4x है ना, तो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x लिखा, एक sec स्क्वायर x को 1 plus 10 square x लिख दिया। नाउ अब क्या करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू t। डिफ्रेंसिएशन जब इसका करेंगे हम दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, 10x का sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt अपॉन dx x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये sec स्क्वायर x dx तो इज इक्वल टू हो गया dt, और ये 10x को मान लिए हैं t, तो जो क्वेश्चन t के टर्म में आ गया वो क्या आ गया, देखो 1 plus t square upon square root t dt। इसको अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ये t की पावर -1/2 dt प्लस ये 1/2 बाहर, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 2 में से 1/2 गया तो 3/2 बचा इंटू dt, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप करो इसका इंटीग्रेशन, ये बाहर चल रहा है 1/2, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस 1 ऐड करेंगे इसमें, तो 1 ऐड करने के बाद क्या बचेगी, यहाँ प्लस 1/2 पावर, तो टी टू दी पावर प्लस 1/2 अपॉन नीचे आ जाएगा 1/2 प्लस, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/2, तो टी टू दी पावर 5/2 अपॉन नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस के, एक कॉन्स्टेंट ले लिया, ठीक है। अब इस 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 से इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, जब 1/2 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बचेगा 5 सिर्फ। तो यहाँ क्या बचा है, टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1/5 टी टू दी पावर 5/2
प्लस के। अब टी की वैल्यू वापस से रख दो टेन एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स की होल पावर 1/2 प्लस 1/5 टेन एक्स की होल पावर 5/2 प्लस के, ठीक है ये आ गया। तो इसकी कंपेयर किससे करनी थी, जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है टेन एक्स की होल पावर ए प्लस सी टेन एक्स की होल पावर बी प्लस के। तो इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन में दिया गया है इतना, तो जब कंपेयर करेंगे तो ए बराबर 1/2 सी बराबर 1/5 और बी बराबर 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी निकालते हैं अब, तो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 1/2 बी की वैल्यू 5/2 और सी की वैल्यू 1/5, तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा 16/5 इसका आंसर, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 16/5, तो ऑप्शन 16/5 ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। ओके जय हिंद।